हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के संगठन के चुनावों का आगाज हो गया है। वहीं बिलासपुर सदर मंडल के अध्यक्ष पद के लिए धौलरा स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 101 बूथ अध्यक्षों में से 86 बूथ अध्यक्षों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और हंस राज ठाकुर को मंडल अध्यक्ष पद पर चुनने में अपनी सहमति प्रदान की। वहीं संगठन के चुनाव के दौरान चुनाव प्रभारी नरेंद्र अत्री और सदर सीट से बीजेपी विधायक सुभाष ठाकुर सहित पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी सदर मंडल अध्यक्ष चुने जाने पर हंस राज ठाकुर ने सभी बूथ अध्यक्षों का आभार जताते हुए पार्टी के लिए सत्य निष्ठा से काम करने की बात कही तो साथ बीजेपी हाईकमान द्वारा तय कार्यक्रमों में सदर कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ बढ़ चढ़कर भाग दिलाने और कार्यक्रमों को सफल बनाने की भी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल ने सुभाष ठाकुर जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित किए। वहीं आज सदर मंडल के संगठनात्मक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने और सभी नव निर्वाचित बूथ अध्यक्षों ने जिस प्रकार से मुझ पे विश्वास जताया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करूं, मैं सदर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को अपने वरिष्ठ नेताओं को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सदर मंडल में आगे ले जाने का कार्य किया है, मैं निरंतर उस कार्य को आगे ले जाने का प्रयास करूंगा और जहां पर मुझे अपने नेतृत्व से माननीय अपने जुझारू विधायक जी से परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, इनके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए मैं हमेशा अपने विधायक महोदय से बातचीत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हो या कनिष्ठ कार्यकर्ता हो, मैं सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को नई बुलंदियों पे ले जाने का प्रयत्न करूंगा। बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।